हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो था, वर्कशीट था चैप्टर 3 का, जो मैंने कंप्लीट करवाया है। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड और चैप्टर 3 में किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे जाइए। चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको लिविंग मैथ्स पे क्लिक करना है, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट। देखो फ्रैक्शंस होता है क्या? देखो सिंपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रैक्शन किसको हम लोग बोलते हैं? न्यूमरेटर्स बाई अगर डिनोमिनेटर होता है दैट इज कॉल्ड आप फ्रैक्शन बोल सकते हो। या सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे कह सकते हो, अ फ्रैक्शंस इज अ पार्ट ऑफ अ होल और कलेक्शन। जैसे मान लो, जैसे ये हम क्या लिखते हैं, एक नंबर लाइन लिख देते हैं, ठीक है? या फिर हम इस तरह से बॉक्स बना के आपको समझाते हैं। जैसे देखो ये हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है? अब इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट में बांट दिए। अब एक पार्ट को हमने सेडेड किया, ठीक है? तो अब आप यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं, अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। तो यहां होल नंबर कब आएगा? 1, 2, 3। यानी अगर हम 3/3 रखेंगे तो ये क्या होगा, होल नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका फ्रैक्शन लिखूं सेडेड पार्ट का, तो एक पार्ट सेडेड है और टोटल कितने पार्ट है, 3 है, तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। तो क्या समझ आया हमें कि अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, यानी जो ये टोटल जो था, वो जो टोटल पार्ट होता है वो नीचे होता है और सेडेड पार्ट ऊपर होता है। तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं आप, सेडेड पार्ट अपन में क्या हो जाएगा, होल पार्ट। तो होल पार्ट 1, 2, 3 था तो 3 लिख दिया हमने, और सेडेड पार्ट कितना था, 1 था, तो 1 लिख दिया हमने, तो 1/3 आ गया। तो बात समझ में आया? या फिर आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर भी बोल सकते हो। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आया। चलिए एक और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है? अब इस सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या किया, हाफ पार्ट किया, फिर इसको हमने किया 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब चलो देखो, हमने इसको इस तरफ से सेडिड कर दिया, ठीक है? अब अगर कहता है कि इसका आप फ्रैक्शन लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया, पहले सेडिड पार्ट होता है तो 1, 2, सेडिड पार्ट कितने हैं, 2 लिख दिया हमने। अंश टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 आ गया, तो ये इसका 4/2/4 हो जाएगा। या फिर आप इनको और स्लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो 2/1 भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया कि फ्रैक्शन कैसे आप बनाएंगे किसी भी फिगर का, क्लियर? चलिए तो इसी के बेस पे आपको बच्चों वर्म ऑफ दिया हुआ है, जो आपने क्लास 4 में पढ़े होंगे ना, उनके अकॉर्डिंग वर्म ऑफ दिया हुआ है। तो चलिए वार्म अप को भी हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए में कह रहे हैं मैच द कॉलम्स। अच्छा यहाँ पे देखो 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 3 बॉक्सेस होंगे कुछ इस तरीके से मान के चलो, ठीक है ना? तो इसमें से 2 पार्ट सेडेड होंगे, कुछ ऐसे ऐसे सेडेड होंगे, है ना? तब जाके ये फ्रैक्शन हुआ। तो देखो इसका मैचिंग किसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, 2/3 है ना, ये वे 2/3 आ जाएगा। अच्छा चलो मैं इसका फ्रैक्शन पहले लिख देता हूँ, आप समझ पाएंगे। ये देखो 1/1 में क्या होगा, इसका 4 फ्रैक्शन आ जाएगा। इस सेडेड पार्ट की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा सेडेड की बात करूँ तो। अच्छा अब आप इस फ्रैक्शन को आप देखें, 1, 2, 3, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो 1/2 हो जाएगा। तो ये सेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिख दिया। अब आपको मैच करने में ज्यादा आसान होगा। तो देखो 2/3 था, 2/3 मैच हो गया। अब इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, 2/3 हो जाएगा, तो ये रहा 2/3। अब देखो ये 1/4 है, 1/4 का फ्रैक्शन ये रहा, इसके साथ मैच होगा, और ये किसके साथ मैच होगा, 1/4 ऑफ क्वार्टर, ये देखो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। अच्छा अब हाफ देखो, तो हाफ तो इसके साथ मैच हो रहा है और ये इसके साथ मैच हो रहा है। अच्छा 3/4 हो गया, तो ये इसके साथ मैच हो रहा है और ये इसके साथ मैच हो रहा है। फाइनली अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो फर्स्ट का किसके साथ गया, बी के साथ गया, और बी किसके साथ गया, बी जो है सेकेंड के साथ गया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड का जो है वो ए के साथ गया, ठीक है, और ए किसके साथ गया, फोर्थ के साथ गया, ठीक है। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड किसके साथ गया, डी के साथ गया, ठीक है, और डी किसके साथ गया, डी फर्स्ट के साथ गया, ठीक है। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ जो है वो सी के साथ गया और सी थर्ड के साथ गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते, मैच कर सकते आप अपने नोटबुक में। क्लियर हुआ? चलिए अब आप देखते हैं अब बी पार्ट में क्या दिया हुआ है। कह रहे फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को क्या करना है बच्चों, हमें भरना है। सो हेयर इज दैट 4/5 ऑफ 20। तो देखो 4/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 20 का, तो इसे इसको डिवाइड करो, है ना। 5 4 जा 24 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। बात समझ आया ना, इससे इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 और 4 6 16, तो 16 आ जाएगा। अच्छा अब आप देखो यहाँ पे 2/3 ऑफ अ डजन, तो एक डजन में क्या होता है बच्चों, आप चाहे तो लिख लेना, 1 डजन में 12 चीजें होती है, चाहे बनाना ले लो, चाहे जो, जो जो भी लेना है आपको। तो हमें क्या है 2/3 ऑफ का मतलब अभी मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई होता है और 12 आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, तो 3 चौक 12 4 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/4 ऑफ एन आवर्स। देखो एन आवर्स का मतलब क्या होता है, एक घंटे में, 1 आवर्स में क्या होता है, 60 मिनट होता है, ये ध्यान रखना आप, है ना। 1 आवर में 60 मिनट हो जाएगा, तो 1/4 × 60, ठीक है, इसे इसको डिवाइड करो, 15 चौका 60 15, यानी यहाँ पे 15 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए कह रहे 6/10 है, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो 3/5 आपका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, 9/12 इज द लोएस्ट टर्म्स, तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 9 3 4 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/4 आ जाएगा आपका ये फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे देखिए 1/9 और 3/9 में आपको लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो सबसे पहले अगर इस तरीके कंपेयर करना होता है तो देखो ये और डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में देखते हैं कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये है, ये वाला पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो कह रहे हैं 15/100 एज अ मिक्स नंबर, मिक्स नंबर कैसे हैं, तो इससे इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से हमें 15 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 1 जा 10, यह आ जाएगा 5, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1 होल 5/10 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, 1 होल क्या लिखेंगे, 1 होल 5/10 इज द मिक्स फ्रैक्शन, क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं 3 होल 2/3, इसको हमें कह रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 3 3 जा 9 और 9 2 11, तो 11/ में क्या हो जाएगा, 3, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, सेवा राम हैड 30 eggs इन हिज शॉप। अच्छा सेवा राम है, उनके पास 30 egg है, जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। हाफ ऑफ देम वर सोल्ड, अच्छा आधा एग्स तो वो बेच देता है, ठीक है। एंड 1/3 देम ऑफ ब्रोकन, और जितना एग्स होते हैं उसमें से 1/3 जो है वो टूट जाता है, सो हाउ मेनी एग्स वर लेफ्ट। तो देखो अगर मैं बात करूं 1/, देखो ध्यान से देखना, 1/2 ऑफ 30, तो इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 × 30, तो कितना आ जाएगा, 15 eggs आ जाएगा, ठीक है। एंड कह रहे 1/3 ऑफ एग ब्रोकन, जिससे इसको करोगे तो 10 आ जाएगा,
अब देखो 10 टूट गया, 15 बेच दिया, तो बचा कितना, 5 ही तो बचा। तो आप सिंपल कह सकते हो और 15 में से 10 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, 5x बच जाएगा। तो सेवाराम के पास कितने बच गए, टोटल 5x बच गए। ठीक है, आपको प्रोसेस लिखना है तो पहले आप ये वाला प्रोसेस लिख लेंगे, है ना, फिर ये वाला प्रोसेस, फिर डिफरेंस कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इसी के साथ क्या होता है, ये जो वार्म अप होता है ना बच्चों, आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक पढ़ाई करते रहें, और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर्स एंड बाय बाय।